हेलो गाइस, आज मेरे पास है वन प्लस की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वन प्लस नॉट सी फोर लाइट। इसका डिजाइन जैसे मस्त है, इसमें अच्छा अच्छा फीचर्स भी है, इसलिए आज इस वीडियो में इसकी 40 प्लस हिडन फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फोन खरीद लिया या खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अब वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगा। यार, बहुत बार ऐसे सिचुएशन होता है फोन को वन हैंड में यूज करना पड़ता है, और वन हैंड में जब फोन को आप यूज करते हो इस ऊपर की एप्लीकेशन को ओपन करने में बहुत तकलीफ होता है। इसलिए तो इस फोन में आइकॉन पुल डाउन जैसा इसका फीचर्स डाल दिया है। आप ऐसे स्वाइप करके सारे एप्लीकेशन को नीचे की तरफ ले सकते हो, और ऐसे आप तुरंत ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी एप्लीकेशन को ओपन भी कर पाओगे। तो इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आना होगा सीधा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर दिखाई देगा आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाता है, आप कोई भी एप्लीकेशन को ऐसे तुरंत ओपन भी कर पाओगे। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको स्पेशल फीचर्स में आना होगा, और यहाँ पर है क्विक लॉन्च, यहाँ पर टैप करना है, इस क्विक लॉन्च को आपको ऑन कर लेना है। अब जो सारी एप्लीकेशन को ऐसे क्विक में लॉन्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐप को सिलेक्ट कर पाओगे। इस फोन में स्मार्ट साइड बार है, मैं राइट साइड से स्वाइप कर रहा हूँ, स्मार्ट साइड बार ओपन हो गया है। स्मार्ट साइड बार में फाइल डॉक का फीचर्स भी है, उसी के साथ बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब जो जो एप्लीकेशन को शॉर्टकट में ओपन करना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके रख पाओगे। तो इस स्मार्ट साइड बार को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके आना होगा स्पेशल फीचर्स में, और यहाँ पर है स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन। स्मार्ट साइड बार को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अभी तो एआई का जमाना है, तो एआई के रिलेटेड इस फोन में स्मार्ट सजेशन का एक फीचर्स मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये बस स्पेशल फीचर्स में आना होगा, और यहाँ पर स्मार्ट सजेशन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। ये जो फीचर्स है फूड डिलीवरी एप सर्विस में आप ले सकते हो, जैसे कि जोमेटो और स्विगी है। ये दोनों एप्लीकेशन में आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो इसका रियल टाइम अपडेट आपकी लॉक स्क्रीन में दिखाई देगा, इसके लिए ऐप को आपको बार बार ओपन नहीं करना होगा। इस फोन में फ्लोटिंग विंडोज का फीचर्स है, आप कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडोज में ओपन कर सकते हो। इसके लिए पहला आपको ऐप को ओपन कर लेना है, यहाँ पर रिसेंट बटन पर टैप करना है, यहाँ पर थ्री डॉट में टैप करना है, और यहाँ पर है फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन। आप देख सकते हो मैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडोज में ओपन कर चुका हूँ। स्क्रीन का साइज को मैं यहाँ से ऐसे एडजस्ट भी कर पाऊंगा, स्क्रीन को अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे स्वाइप करके मिनिमाइज भी कर पाओगे, जब मर्जी होगा यहाँ पर साइड से आप इसको ओपन भी कर पाओगे। इसको डिसेबल करने के लिए आपको क्रॉस बटन पर टैप करना है, डिसेबल हो जाता है। इस फोन में आप इजीली ऐप को क्लोन कर सकते हो। ऐप को क्लोन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर एप्स में आना होगा, ऐप क्लोनर दिखाई देगा आपके डिवाइस में, जो जो ऐप ऐप क्लोन को सपोर्ट करता है उसको आप यहाँ से इजीली क्लोन कर पाओगे। एग्जांपल के लिए मैं फेसबुक एप्लीकेशन को क्लोन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट ऐप क्लोन में क्लिक कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में टाइम लेता है, और यहाँ पर ऐप जो है वो क्लोन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे डिवाइस में एक ओरिजिनल फेसबुक है और दूसरा क्लोन फेसबुक है। ये फोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में क्लिक करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में तरह तरह का स्टाइल है, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हो, और ऐसे में यहाँ पर ड्रॉ करके स्टाइल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप ऐसे क्रिएट भी कर पाओगे, और यहाँ पर मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ, ये लॉक स्क्रीन में अप्लाई हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो देखने में बहुत ही प्यारा सा लगता है। ऐसे भी फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो इस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में बहुत सारी एनिमेशन है जिसको आप चेंज भी कर पाओगे। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना होगा, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखा देगा, यहाँ पर तरह तरह का एनिमेशन है, तो आपकी मर्जी से आप कोई भी एनिमेशन को यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। इसमें एज लाइटिंग का फीचर्स है, तो एज लाइटिंग को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना होगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एज लाइटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर तरह तरह का कलर है, तो आपकी मर्जी से आप कोई भी कलर को यहाँ पर चूज कर सकते हो। वाईफाई टेथरिंग का फीचर्स भी है, आप सेम टाइम में वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को ऑन कर पाओगे। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा वाईफाई जो ऑन है, यहाँ पर मैं हॉटस्पॉट को ऑन कर रहा हूँ, वाईफाई डिसेबल नहीं हो रहा है। इस फीचर्स के जरिए अब आपका वाईफाई का पासवर्ड को ना शेयर करके दूसरा डिवाइस को आप इंटरनेट एक्सेस दे सकते हो। आप चाहते हो जब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आए रिंगटोन के साथ साथ आपका फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट करते, तो इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना होगा, यहाँ पर वाइब्रेट ऑन रिंग दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। अब अगर चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से ओ डायलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इस डायलर में जब आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करोगे आप साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर
पाओगे, लेकिन गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग जब आप करोगे पर अनाउंसमेंट सुनाई देता है। अब फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए पावर बटन को इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस फोन को मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ। जब मुझे लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, जब मुझे अनलॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर फिर से मैं डबल टैप करता हूँ। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आना होगा। पहला जो ऑप्शन दिखाई देगा डबल टैप टू लॉक, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। दूसरा जो ऑप्शन है डबल टैप टू विक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर लेना है। यार बहुत बार फोन पॉकेट में रहता है और इधर उधर टच हो जाता है, तो इस मिस टच को ऑफ करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आना होगा। थोड़ी सी स्क्रॉल करने के बाद पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। अब इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीट एसएमएस को चेक कर पाओगे, इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना होगा। थोड़ी सी स्क्रॉल करने के बाद मोर सेटिंग्स दिखाई देगा, यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे डिवाइस में 24 आवर्स में जितना सारे नोटिफिकेशन आए सब यहाँ पर सेव है। इवन जब व्हाट्सएप में कोई भी बंदा एसएमएस करके डिलीट कर देता है वो भी यहाँ पर सेव होकर रहेगा, बाद में आकर चेक भी कर पाओगे। इसमें ऐप लॉक की फीचर्स है, अब कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर इजिली लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तरफ आना होगा, और यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन है। तो पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है, उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इसमें स्प्लिट स्क्रीन की फीचर्स है, आप सेम टाइम में दो एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। तो स्प्लिट स्क्रीन को यूज करने के लिए पहले आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, थ्री फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करिए और नीचे की तरफ दूसरा एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्ले स्टोर और नीचे यहाँ पर गैलरी दिखाई दे रहा है, तो इसका पोजीशन को आप ऐसे चेंज भी कर पाओगे। डिस्प्ले करने के लिए ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, डिस्प्ले हो जाता है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आना होगा और यहाँ पर स्प्लिट व्यू दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। अब इतने देर से वीडियो देख रहे हो, आपको एक बोनस टिप्स तो मिलना चाहिए। अब देख सकते हो मेरे फोन की सेल्फी कैमरे के आसपास में येलो कलर का लाइट है, ये लाइट हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए लाइट जो है ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस लाइट को आप आपके फोन में ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन। बहुत ही छोटी एमबी का ये एप्लीकेशन है, सिंगल क्लिक में डाउनलोड हो जाता है। तो इसका बेस्ट डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर सिंगल क्लिक में इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और आगे का जो सारा सेटिंग्स है ना मैं आपको आसान में समझाता हूँ। जब आप पहली बार इस ऐप को ओपन करोगे इसकी होम स्क्रीन सेटिंग्स कुछ ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पर एक बटन है, इसको आपको ऑन कर लेना है। जब आप ऑन करोगे एक सर्किल आ जाएगा राइट साइड में, तो सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए सेल्फी कैमरे के आसपास में लेकर आना होगा। अगर अच्छी तरीके से फिट नहीं होता है तो रिंग रेडियस का जो बार दिखाई दे रहा है ना इसको अप एंड डाउन करके आप इसको फिट कर सकते हो। ऐसे भी आप मेरा सारा सेटिंग्स चेक कर लीजिए और इसको आसानी से फिट कर लीजिए। इसके बाद जो आपको करना होगा यहाँ पर कलर ऑप्शन में आना होगा और यहाँ से आप सिंगल कलर इवन आप ग्रीन कलर को भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो मैं सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका फेवरेट जो कलर है आप यहाँ से चूज कर पाओगे। डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर रहता है, यहाँ से मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आउटर रिंग कलर है यहाँ पर भी मुझे सेम कलर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी प्रीसेट कलर में क्लिक करके यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके में क्लिक कर देता हूँ। दोनों कलर आपको सेम रखना है, तो यहाँ पर सेम कलर के सर्कल बनेगा जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन से रिंग रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपके फोन में इस लाइट को ऑन कर लो। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत सारा तरीका है। पहला और सबसे आसान जो तरीका है, वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को आप सेम टाइम में प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जो तरीका है, स्मार्ट साइड बार में यहाँ पर स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट मिलता है, यहाँ पर आप टैप करके स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इवन नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर भी स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट है, तो यहाँ पर भी आप टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लास्ट और सबसे आसान जो तरीका है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, डिस्प्ले के ऊपर आप थ्री फिंगर को ऐसे स्वाइप डाउन करिए, स्क्रीनशॉट हो जाता है। बहुत सारे दोस्त डिस्प्ले का स्पेसिफाइड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है। थ्री फिंगर को आप डिस्प्ले के ऊपर टैब एंड होल्ड करके रखिए, इसके बाद आप एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो ये तीनों ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में आप ओटीजी को कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन ओटीजी को कनेक्ट करने से पहले आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा और यहाँ पर ओटीजी कनेक्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब आप ओटीजी को कनेक्ट करोगे आपका ओटीजी सपोर्ट ले लेगा। यार मेरा फोन लॉक है, मुझे तुरंत कैमरा को ओपन करना है, तो इस फोन में एक शॉर्टकट मिल जाता है। मैं लॉक स्क्रीन में ओडो करता हूँ तो यहाँ पर कैमरा तुरंत ओपन हो जाता है, यहाँ से मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ और वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। तो ऐसे शॉर्टकट में कैमरा को ओपन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ,
यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा और यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशंस पर आना होगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स दिखाई देगा, यहाँ पर है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। मेरा फोन लॉक है, मैं लॉक स्क्रीन में भी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर फ्लैश लाइट जो है तुरंत ओपन हो जाता है। फिर से मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्लैश लाइट जो है ऑफ हो गया है। इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा और यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशंस दिखाई देगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पर आपको क्लिक करना है। ड्रॉ ए V2 टर्न टॉर्च ऑन और ऑफ, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। ऐसे आप ड्रॉ करके बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो जैसे कि M और W से, और यहाँ पर आप सारे एक्टिविटी को चेंज भी कर पाओगे। अब एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहे हो, इस फोन को भी नेविगेशन बटन पर यूज कर रहा हूँ, इसको अगर आप चाहते हो तो जेस्चर्स पर यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा, सिस्टम नेविगेशन दिखाई देगा, यहाँ से बटन से आप जेस्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इस फोन का डिस्प्ले का साइज बड़ा है तो आप चाहते हो तो इस फोन को आप आराम से वन हैंड मोड में यूज कर पाओगे, जैसे कि मैं फोन को यूज कर रहा हूँ, तो जब मर्जी होगा आप फुल स्क्रीन में भी यूज कर सकते हो। तो इस ऑन हैंड मोड ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा, वन हैंड मोड दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में आप कोई भी एप्लीकेशन को इजीली हाइड कर सकते हो, इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आना होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहाँ पर दिखाई देगा हाइड एप्स का ऑप्शन, पहला तो आपको पासवर्ड सेट कर लेना है, उसके बाद एक कोड को आपको सेट करना है जिसमें आप हाइड ऐप को एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद यहाँ से आप इजीली कोई भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में हाइड कर सकते हो। तो ये तो था कुछ कमल के फीचर्स OnePlus Nord C4 Lite का। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।